साथियों इंक स्केप एक ग्राफिक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके इस्तेमाल से हम विषय से संबंधित आकृति बना सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंक स्केप से विषय से संबंधित आकृति कैसे बना सकते हैं तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हम उसमें इंक स्केप डाउनलोड लिखेंगे और एंटर करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सी लिस्टिंग स्पेस पर दिखाई दे रही है हम पहले वाले लिंक को क्लिक करेंगे पहले वाले लिंक को क्लिक करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि इंक स्केप का मेन पेज ओपन हो जाएगा अब इस पेज में हम ये देख देख पा रहे हैं कि कई तरीके का के ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित इंकस्केप दिखा रहा है जैसे लाइनक्स विंडोज और मैक तो हमने विंडोज को क्लिक किया विंडोज को क्लिक करने के बाद हम मशीन के टाइप के हिसाब से इंकस्केप के वर्जन को सिलेक्ट करेंगे जैसे 32 बिट या 64 बिट तो हमने 64 बिट को क्लिक किया 64 बिट को क्लिक करने के बाद डॉट ई का एक पेज आएगा जिसको हमने क्लिक किया डॉट ई के पेज को क्लिक करने लिंक को क्लिक करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि इंक स्केप डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है जो कि लेफ्ट साइड में हमें दिखाई दे रहा है डाउनलोड होने के बाद हम इसको सो इन फोल्डर करेंगे इंक इसके फाइल को जो डाउनलोड वर्जन है उसको हम डबल क्लिक करेंगे फिर हम इसके नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद आई एग्री बटन को क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे उसके बाद एक बार और नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे इसके बाद हम इंस्टॉल बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा इंक स्केप का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा हम एक दो सेकेंड तक वेट करेंगे लास्ट में हम रन इंक बॉक्स इंक स्केप को अगर चेक करेंगे तो फिनिश करने के बाद इंक स्केप हमारा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा